हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? लगे होंगे प्रिपेयर कर लोगे जी, चांस से लगे होंगे। बच्चों इस समय बहुत ही एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा, मेरा जो लास्ट 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस इन 4 सालों के अंदर में यूट्यूब चैनल्स काफ़ी आगे तेजी के साथ लोगों के दिमाग में छा गए हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, इससे हमने देखा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि खराब है, ये अच्छा भी है और इससे लॉस भी हो रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करता हूं आपको। जैसे मैंने देखा यहाँ पर क्या होता है कि आप जब पढ़ते रहते हैं और आप तो अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने का रास्ता क्या है आपको, यदि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक बेसिक आइडिया सब्जेक्ट के बारे में आपने जान लिया है और आप जब क्वेश्चन बनाते जाते हैं तो नहीं बनता है, तो आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करते हैं, आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ेगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा अलग से, उन पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन बनाने में आपको 30 मिनट 35 मिनट लग सकते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल लगते ही। कुछ बच्चे हमको फ़ोन करते पूछते हैं, सर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बेटा आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे समझ पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ेगा चीज़ों, चूंकि आपका प्रैक्टिस लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या होता है, बच्चा क्या होता है प्रैक्टिस नहीं करता है, अलग अलग चैनल पे जाके सेम कंटेंट को कि सर ने पढ़ाया, हो सकता है थोड़ा कम पढ़ाया, वो लाओ इसको देख लेते हैं इससे ज़्यादा बन जाएगा, इसको देख लेते हैं इसको ज़्यादा बन जाएगा। तो बच्चों यदि एक ही कंटेंट एक जगह आप पढ़ चुके हैं या आप सेल्फ स्टडी कर चुके हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, भटक के आप अपनी प्रिपरेशन को और पीछे लेके जा रहे हैं। आपको अब प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज देना चाहिए। भले आपको मार्क्स कम आ रहा हो, आपके मार्क्स 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, इस समय 20 भी मार्क्स आपका आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो कर ली है, बस आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यदि आप सेम कंटेंट बार बार अलग अलग चैनल या प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपका दिमाग क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा यार इतना सारा लोगों का चैनल देख डाला उसके बाद भी मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो बच्चों बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आप सेम कंटेंट क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ें क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे। इंप्रूव करने के लिए आपको प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज आपको देने पड़ेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितना इंपॉर्टेंस आप सब्जेक्ट कंप्लीशन में देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पर भी देना, नहीं देंगे तो इम्प्रूव नहीं होगा। आप 50 चैनल देख डालिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को लॉस करते हुए देखा, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है लेकिन उनको अपने प्रिपरेशन पे विश्वास नहीं है, वो अलग अलग जगह पे जाके क्या कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बाद उनके मार्क्स जो टॉप 100 में आ सकता था बच्चा उसकी रैंक 1500 में चली गई, ठीक है। जो बच्चा मतलब इतना ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, चूंकि मैंने देखा, नाम तो नहीं ले सकता हूँ किसी बच्चे का मैं, तो जो कि उन्होंने अपना अपना विश्वास अपने से खो दिया, अपने ऊपर से खो दिया है। तो बच्चों अपना विश्वास अपने से खोने मत दीजिए, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आगे लग के करना है। जैसे मैं इस साल का एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरे पास उज्ज्वल था, मेरे पास संस्कार थे, ये लोग का सोशल मीडिया से बहुत 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 दूर थे ये लोग, इनको ना मतलब मैं बताऊँ आपको, जब इनका रिजल्ट आया ना तो इनके पास ना फेसबुक अकाउंट था, सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह शायद चलाते थे, नहीं भी चलाते थे। उसके बाद मैंने बोला भाई अब तो तुम टॉप कर गए हो, अब तुम्हारी रैंक टॉप 100 के अंदर, अब तुम इस सबको चालू करो, स्टार्ट करो। तो बच्चों की इन सबसे डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे, इस समय दिमाग को बहुत ही कूल रखना है और बहुत ज़्यादा भटकना नहीं, और आपको कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत आपको प्रीवियस के क्वेश्चन और प्रैक्टिस पर करनी पड़ेगी। अब आपको सेम मटेरियल या सेम थ्योरी या सेम चीज आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की जरूरत इस समय बिल्कुल नहीं है बच्चों, नहीं तो आपका इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा और आप फिर बाद में जाके गिव अप कर देंगे बच्चों। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं कितनी बारीकी से बात को बोल रहा हूँ, और ये मेरा लास्ट 3 से 4 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैंने देखा है अभी मेरे पास जितने भी टॉपर थे, अभी आपको देखिए बैथ था, बैथ का रैंक 99 आया था, वो तो अभी भी सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं है। उज्ज्वल सोशल मीडियम एक्टिव नहीं, संस्कार एक्टिव नहीं, मनप्रीत तो 199 रैंक लाया अभी उसने, वो सोशल मीडियम अभी तक नहीं प्रेजेंट है, कहाँ पर है वो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ठीक है आप इन्जॉय करिए, आप उसके बिना नहीं रह सकते, अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत ही लॉस करते हुए लोगों को देखा हो, क्योंकि आपका दिमाग पूरा क्या होता है कि वर्चुअल फैमिली की तरफ क्या होता है, लग जाता है। तो बच्चों बिल्कुल आपको क्या करना है, अब मेरी बात आप समझ गए होंगे, आप अपना प्लान बनाइए उसी हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। आप लोग तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोग अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, जो भी आप बंदा हो, सब वो करना चाह रहा है वो चीज़, ठीक है। तो आप उनका उनका उद्देश्य थोड़ा अलग है, फिर उनको बाद में
उनका उद्देश्य ये है कि हमें क्या करना, जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अपनी फीस बढ़ा देंगे, जैसे जियो में हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अधिकार जमाना, जैसे उबर ने क्या पूरा अधिकार जमा लिया, ठीक है। सब बाकी जो छोटे तो वो थे, जो टैक्सी वाले थे, बेरोजगार हो गए वो लोग, वो उनकी अलग मार्केटिंग स्टाइल चल रही, उस मार्केटिंग स्टाइल में आप अभी मत फंसिए, अभी अपने आप को इम्प्रूव करिए और आगे बढ़ाइए अपने आप को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।